किचन तो हो गया है मेरा एकदम साफ बाहर से भी अंदर से भी, लेकिन ये देखिए आप देख पा रहे होंगे ये दाग बीच में ये वाला, ये देख रहे होंगे आप लंबा सा, तो ये दाग रह गया है। ये है हवन वगैरह होता रहता है घर में, पूजा पाठ चलती रहती है, तो ये देखिए ये कितना ये चीज रह गया है, ये वाला पार्ट रह गया थोड़ा सा, बस जरा सा है ये इतना सा। और आज मैं थक गई हूँ, सोचा था बाद में करूँगी, आज मैं क्यों थक गई मैं बताती हूँ। आज मैंने ये वाली ग्रे वॉल साफ की है, हमारे घर में पुताई होनी थी लेकिन पेंट इसलिए नहीं हो पाया कि वो फीवर हो गया उनको, पेंटर बाबुओं को, तो और ये वाला पूरा पोर्शन मैंने साफ कर दिया है। और पूजा वाले रूम की ये वाली दीवार ऊपर से नीचे तक, और इस तरफ भी ये अलमीरा साफ कर दी है। अब थोड़ी सी ये नीचे की दीवार रही हुई है, तो ये मेरा साजो सामान है। और ये स्टडी टेबल है आदि की, तो यहाँ पे देखिए उसने पेपर्स लगा रखे हैं नोट्स बना के, तो इस तरह से। और ये बस अब ये वाली दीवार रह रखी है, तो ये साफ कर लेते हैं फटाफट। देखा जाए तो रोज होती है ये सफाई, तो रोज ही होती है, डेली का काम होता है, कहीं गंदा दिखाई देता है तो तुरंत साफ कर देना होता है। बोलने की बात है कि दिवाली है तो सफाई करनी है, लेकिन चलो ये स्पेशल एक सफाई हो जाती है और पूरी तरह से सफाई हो जाती है, तो चलो जैसे भी हमारे त्यौहार हैं तो त्यौहार के आने की खुशी में साफ सफाई चलती है। तो सफाई करने के बाद मैं लग गई अपने DIY में। अब हमें चाहिए होंगे कुछ मोती, ये सिंपल, और दो व्हील, ये मैंने बनाने बताए हैं आपको, टैसल, और इस तरह के मैंने ये फ्लावर बनाए हैं, ये चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हम टैसल में धागा एंटर करेंगे ऐसे करके, और इसको यहाँ से निकाल लेंगे, ये सबसे नीचे आएगा। अब लगा लेंगे ये मोती ऐसे बीचों बीच निकाल के, ये देखिए इस तरह से। अब लगा लेंगे तीन वाइट मोती। मेरे पास ये लड़ी थी एक, वो टूट गई थी, तो मैं इसको अभी यूज करूंगी। तो ऐसे मैं सात फूल लगाऊंगी, फिर बीच में एक पाइप टाइप का आता है इसमें, तो वो पाइप डाल के और फिर सात ऊपर से इस तरह के फूल लगा लूंगी, तो ये एक बहुत प्यारा डिजाइन बन जाएगा। तो इसमें ये पाइप भी आते हैं, तो ये लगा लेंगे बीचों बीच, और अब इतने ही और लगा लूंगी मैं ये। अब फिर से तीन मोती फिर लगा लूंगी। तो ये कलरफुल हैंड बैग आते हैं, तो उसको मैंने फोल्ड करके इसकी कटिंग करके बीच में स्टेपलर से स्टेप करके और इस तरह से कटिंग कर लेंगे बाहर बाहर से, तो ये फ्लावर की शेप बन जाएगी खोलकर। ऐसे ही मैंने ये वाइट में बनाया है, इसका एक्स्ट्रा ये कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से बन के आया है। तो अब लगा लेंगे ये वाला ही फ्लावर। तो लगा लेते हैं एक के बाद एक चीज, तो बीच बीच में मैं तीन तीन ये वाइट मोती लगा रही हूँ, और इस तरह से ये बहुत सुंदर एक हमारा हैंगिंग बनने वाला है। अब
सबसे लास्ट में लगा दूंगी मैं ये है ये व्हील जो मैंने चूड़ी से बनाया था। तो इस तरह से इसको यहाँ पे अटैच कर लेंगे, यानी कि नोट बांध देंगे। दो तीन नोट बांध दिए मैंने, तो इसको अच्छे से बिल्कुल टाइट से बांध दिए, तो इस तरह से ये सिक्योर रहेगा। और बस कटिंग कर लेंगे यहाँ से। अब ऊपर से भी ऐसे ही नोट बांध लेंगे, लेकिन ऊपर एक होल भी बनाएंगे जिस पे ये कील पे लगाने के लिए आसानी से लग जाएगा कील पर। तो ऐसे होल बना लेंगे एक। तो कील पे लगाने वाला जो मैं बना रही हूँ होल, तो ये इसी का बना रही हूँ, ऊन से ही बना रही हूँ। और देखिए हमारी लटकन तैयार है। अब देखिए इसका फाइनल लुक। इसके बाद हम एक जगह गए, मैं आगे बताती हूँ कहाँ गए। और देखिए देहरादून कितना सुंदर सज रहा है, घर हर जगह इतना सुंदर होता है आजकल दिवाली का टाइम जो है। तो हम गए विरासत मेले में। तो विरासत ये देहरादून में ही लगा हुआ है, तो उसमें गए, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और जबकि कल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद भी देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। हम इसीलिए लेट आए था कि थोड़ा छीड़ होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखिए ऐसी जगह भीड़ तो होती है, लेकिन जो चीज़ें मिलती है वो यूनिक चीज़ें होती है, बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पे, बहुत ही सही रेट पे अच्छी चीज़ें मिल जाती है, तो लोग तभी यहाँ पे जाना पसंद करते हैं। और जो आपने कभी देखी भी ना हो वो चीज़ें यहाँ ऐसी जगह मिल जाती है। पहाड़ी भोजन या पहाड़ी दालें, अचार, चटनी या मुरब्बा या यूनिक चीज़ें, हर चीज़ बहुत ही बढ़िया मिलती है। तो जगह जगह के लोग आए हुए थे, राजस्थानी, पंजाबी और पता नहीं कहाँ कहाँ के, गुजरात। तो बहुत प्यारी, और ये देखिए शिल्प कला देखिए कितनी बहुत सुंदर, मतलब मैं बता नहीं सकती, हर चीज़ हर आइटम बहुत अच्छा था। कश्मीरी, अफगानी हर तरफ के लोग आ रखे थे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब, मतलब अलग अलग टाइप के जो हमने कभी देखे भी नहीं इस तरह के। चीज़ें अच्छी मिलती है, लेकिन घर में जगह भी तो हो। लास्ट ईयर मैं लेके आई थी यहाँ से वुडन अलमीरा और एक वाज बेसिन लंबा वाला, तो वही मैं पछता रही थी कि मैंने इनको लेने को कहा तो ये तुरंत ले लिया। मैं तो सोच रही थी ये मना करेंगे, और मैंने ऐसे ही पूछा था और इन्होंने ले लिया, और अब मेरे को वो रखा भी नहीं जाता है घर पे। ये मेरे हर चीज़ को यस कर देते हैं, तो कभी कभी नो भी करना चाहिए। ये मना कर देते तो वो आती ना, और लेकिन अच्छी बात है, अच्छी लगती है वो अलमीरा में मुझे। उस पर मैंने बुक्स रख रखी है, और धार्मिक और जैसी भी अच्छी अच्छी मेरे पास बुक्स हैं वो रख रखी है, बहुत अच्छे से मैं रखती हूँ उसको, अलमीरा को। लेकिन जगह कम होने के कारण इस वजह से मैं अब कुछ नहीं लेती। मैंने इनको कहा था, मैंने कहा मैं किसी चीज़ की तरफ नहीं देखूंगी, बस मतलब चलते हैं और घूम के आते हैं, खा पी के आते हैं। तो बच्चे तो मना करने लगे, तो मैं, खुशी और ये गए। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने, बहुत अच्छा लगा। तो आपको भी मैं घुमा रही हूँ, कैसा लगा ये ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बब्बा।